हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज मैं फिर आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ हूँ। पाइथन सीरीज में हम लोग ये अपना नया वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसका टॉपिक है लिस्ट मैनिपुलेशन। हमने पाइथन में और भी वीडियोस देखे हैं, पाइथन लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता लग रहा है, और उसी में हम लोग आगे डिसीजन करने वाले हैं कि लिस्ट क्या होता है और लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है आपके पाइथन लैंग्वेज में, और उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि लिस्ट का क्या मतलब होता है हमारे पाइथन में और किसे कैसे यूज करते हैं। व्हाट इज लिस्ट मैनिपुलेशन? इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम हैज इट्स ओन इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम इज 0 एंड द लास्ट आइटम इज n-1। अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ा है तो उसमें हम लोग एरे यूज करते थे, जिसमें कि सिमिलर टाइप की वैल्यू हम लोग रख पाते थे। यहां पर आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को एज अ लिस्ट हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक लिस्ट है जो कि इंटीजर या नंबर को स्टोर करके रख रहा है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपको अगर अपने क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स, फिजिक्स में मार्क्स, कंप्यूटर साइंस में मार्क्स को स्टोर करके रखना है, तो आप बहुत आसानी से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आपको 10 स्टूडेंट का मार्क्स रखना है तो आप अलग अलग वेरिएबल में न रख करके आप लिस्ट में उसको एक साथ रख सकते हैं उसको। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी लिस्ट बनेगा उसमें 10 आइटम है तो पहले आइटम का जो इंडेक्स पोजीशन होगा वो 0 होगा। जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें 80, 60, 70, 85 और 75, ये 5 वैल्यूज हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए, देखिए इंडेक्स क्या होता है, ये इसका इंडेक्स होगा 0। हम इंडेक्स से भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। कैसे प्रिंट कराते हैं ये अभी हम आपको दिखा देते हैं। इसका इंडेक्स हो गया 0, इसका इंडेक्स हो गया 1, 70 का इंडेक्स 2 हो गया, 85 का इंडेक्स 3 हो गया और 75 का इंडेक्स 4 हो गया। तो 0 से शुरू होता है और साइज -1 या उसे अगर साइज को एन कहें तो n-1 तक इंडेक्स होता है। यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपको लास्ट वैल्यू चाहिए तो आप -1, -2, -3, -4, -5 भी करके आप निगेटिव इंडेक्स आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग लिस्ट क्रिएट करना चाहें जिसका हम लोग नाम लिस्ट 1 दे देते हैं, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसमें ब्रैकेट आप ध्यान कर लीजिएगा, ब्रैकेट ये वाला यूज होता है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो लिस्ट 1 इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो वैल्यूज लिया है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हमने ले लिया 80, ले लिया कॉमा, सेपरेटेड सेपरेटेड बाय कॉमा है, 80, 70, 90, 25 और 30। मान लो ये 5 वैल्यू ले लिया हमने और इसको हमने बंद कर दिया और एंटर करेंगे तो लिस्ट क्रिएट हो चुका है आपका। आपको वैल्यू देखनी है तो आप सिर्फ लिख सकते हैं लिस्ट 1। तो देखिए आपके सामने 80, 70, 90, 25 और 30 दिख रहा है। अब जैसा कि हमने कहा कि ये जो 80 है वो 0 इंडेक्स पोजिशन पे है, तो हम देख सकते हैं, देखिए लिस्ट के 0 की वैल्यू क्या है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको वैल्यू दिखाई देगा। ओ, कुछ मिस्टेक हुआ हम लोग से, सॉरी लिस्ट 1 है और हमने लिस्ट वहां लिख दिया था, लिस्ट 1 के 0 की वैल्यू। देखिए यहाँ पे 80 आपको दिखाई दे दिया, आपको लिस्ट 1 के 2 की वैल्यू देखनी है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है लिस्ट 1 के 2 की वैल्यू क्या है, 90। तो इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि इसमें 5 एलिमेंट है, तो 0 से लेके 4 तक इंडेक्स क्वेश्चन होगा। जैसा कि हमने देखा नेगेटिव इंडेक्स यूज कर सकते हैं, तो -1 अगर बात करें हम लोग तो कौन सा होगा, 30 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं लिस्ट 1 का इंडेक्स की -1 की वैल्यू हम लोग देखना चाहते हैं। तो जैसे इंटर करेंगे तो देखिए आपको लास्ट वैल्यू यानी 31, तो -1, 30, -2, -3, -4, -5। एक और देखना चाहते हैं आप, तो लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं कि -2 की वैल्यू क्या है। तो -2 जैसे ही हम लोग करेंगे, सॉरी फिर से मैंने लिस्ट लिख दिया, लिस्ट 1 के -2 की वैल्यू, ओके। तो देखिए आपको 25 मिल गया। तो आप पॉजिटिव इंडेक्स और निगेटिव इंडेक्स दोनों को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं अभी हमने दिखाया। आप लिस्ट किसी भी टाइप का क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई डाटा टाइप स्पेशल होना चाहिए इसमें या कोई सेम डाटा टाइप का होना चाहिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास। आप उसमें स्ट्रिंग, कैरेक्टर और नंबर्स जो चाहते हैं आप इसको एक ब्रैकेट में, लिस्ट आर इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, बस ये ध्यान रखिएगा कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए क्योंकि ब्रैकेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाई कॉमा। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश कॉमा हिंदी कॉमा 1997 कॉमा 2000। तो इस तरह से लिस्ट 1 बन गया, लिस्ट 2 बन गया, लिस्ट 3 बन गया, जितना भी आप लिस्ट चाहते हैं आप बना सकते हैं। यहाँ सिंगल कोट और डबल कोट दोनों अलाउ होता है, तो आप जैसा चाहें वैसा लिस्ट बना सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट मैनिपुलेशन की बात करें हम लोग, तो कैसे आप इंडेक्स क्वेश्चन जो भी है मैंने आपको दिखाया, कैसे ये लिस्ट बना हुआ है, लिस्ट आइटम्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स पोजिशन। जैसे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है लिस्ट 359, इसमें तीन वैल्यू है, तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में करके दिखाया कि लिस्ट के थ्री की वैल्यू कहाँ पे रहेगी, जीरो इंडेक्स पे, ये वन इंडेक्स पे और ये टू इंडेक्स पे। जैसे ही प्रिंट आप लिस्ट जीरो करते हैं, देखिए थ्री प्रिंट हो रहा है, लिस्ट वन करते हैं तो फाइव प्रिंट हो रहा है, लिस्ट टू करते हैं तो नाइन प्रिंट हो जाएगा। आप नेगेटिव इंडेक्स कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए माइनस वन बताया था लास्ट वैल्यू, यानी नाइन प्रिंट हो जाएगा, फिर फाइव प्रिंट हो जाएगा और फिर माइनस थ्री अगर आप करते हैं तो फिर थ्री प्रिंट हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव इंडेक्स नंबर जीरो टू एन माइनस वन और नेगेटिव इंडेक्स नंबर माइनस वन से लेके आप माइनस टू माइनस थ्री जीरो तक आप जा सकते हैं। अब अगर आपका लिस्ट बन चुका है तो उसमें इटरेशन कैसे करते हैं, इटरेशन का मतलब एक एक करके वन बाई वन कैसे हम उसको देख सकते हैं। अगर वन बाई वन देखना चाहते हैं तो उसमें हम इटरेशन का यूज कर सकते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा लूप आना चाहिए, लूप हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिर भी यहाँ आपको करके मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे वन बाई वन इटरेशन करके लूप के थ्रू कैसे आप लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो हम लोग इसको लाइव करके देख लेते हैं। जैसे कि इसको तो हम लोग को आपको बताया था हमने, इंटर जो आपका ये इंटरमीडिएट इमीडिएट मोड है और आपका जो बंच हम रन कराना चाहते हैं उसको भी रन करा सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक नया फाइल ओपन कर लिया जिसे एक्सटेंशन डॉट पी वाई देंगे और हम एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे हमने नाम दे दिया लिस्ट वन इक्वल टू, इसी वैल्यू को रख लेते हैं हम लोग थ्री फाइव एंड नाइन, देन क्लोज द ब्रैकेट एंड अवर लूप स्टार्ट्स फॉर आई, एक वेरिएबल लिया हमने आई इन रेंज, कहां से कहां तक जाएगा ये देख लीजिए। ऑब्वियस सा बात है हम जीरो से प्रिंट कराना चाहते हैं और कहां तक, एन माइनस वन यानी कि लिस्ट के लेंथ तक, तो हम लेंथ लिख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं लिस्ट वन। ठीक है, तो आपको पता है कि यहां पर हम जैसे ही लिखते हैं लेंथ लिस्ट वन यहां पे, तो लिस्ट वन का लेंथ आ जाएगा आपका कितना आ जाना चाहिए, यहां पे तीन है वन टू थ्री, तो थ्री हो गया लिस्ट का लेंथ, लेंथ फंक्शन यूज किया हमने, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री। तो जीरो से थ्री का हमने रेंज लिया है और रेंज में हमें पता होना चाहिए कि जहां भी मैक्सिमम रेंज रहता है उससे कम तक लूप चलता है, यानी थ्री अगर लिखते हैं तो यानी जीरो वन और टू के लिए लूप चलेगा ये। तो जीरो इंडेक्स पोजिशन पे थ्री है, वन पे फाइव है और नाइन टू पोजिशन पे है, तो ये लूप हमारे लिए सफिशियंट है। तो अब इसके बाद हम लोग ये लूप चलाने फॉर आई इन रेंज जीरो से शुरू होगा और लिस्ट वन तक ये, या लेंथ ऑफ लिस्ट वन तक ये लूप चलेगा, लेंथ हो जाएगा इसका थ्री और जीरो से टू तक का ये लूप चलेगा। ठीक है, और यहां पे हम लोग इसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट क्या प्रिंट कराना है, लिस्ट का हमने नाम लिया है लिस्ट वन और लिस्ट वन का क्या आई प्रिंट कराना है हमें, आई की पहली बार वैल्यू क्या रहेगी, आई की पहली बार वैल्यू जीरो रहेगी, फिर वन रहेगा, फिर टू रहेगा और थ्री पर तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग का कैसे रन होता है। इसको पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, इसका नाम लोग दे देते हैं लिस्ट, नाम देते थे इस फाइल का लिस्ट डॉट पी वाई। अब इसको रन कराते हैं, अपने रन में जाएंगे आप और पाइथन शेल में, यहाँ देखिए आपको रन मॉड्यूल F5 का शॉर्टकट है और जैसे ही आप इसे रन कराएंगे देखिए पहले थ्री प्रिंट हुआ, फिर फाइव प्रिंट हुआ, फिर नाइन प्रिंट हुआ। तो इस तरह से आप इटरेशन के थ्रू भी लिस्ट को आसानी से प्रिंट करा सकते हैं फॉर लूप की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्लाइसिंग ऑफ अ लिस्ट, कैसे हम लोग लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं, स्लाइस का मतलब काटना, यानी छोटे छोटे पार्ट में कैसे हम लिस्ट को बांट सकते हैं या उसको प्रिंट कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में। बहुत ही आसान है, जैसा कि एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है लिस्ट में आई एन डी आई ए इतनी वैल्यूज हैं, इसमें आप स्लाइसिंग करना है तो कोलन का यूज होता है, कहां से कहां तक की वैल्यू को आपको देखना है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। यहां पे लिखा है जीरो से लेके थ्री, तो देखिए यहां पे जीरो वन टू जो मैक्सिमम थ्री लिखा रहेगा इससे कम तक की वैल्यू दिखाई देगी, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो जीरो वन टू, चलिए इसको भी हम लोग लाइव करके फटाफट देख लेते हैं, एक लिस्ट हम लोग बना लेते हैं, इमीडिएट मोड में ही हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक इमीडिएट मोड खोल लेते हैं यहाँ पे आइडियली और इमीडिएट मोड में हम लोग इसको टाइप करके देख लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं एल आई एस टी वन, एक लिस्ट वन बनाते हैं, लिस्ट वन की वैल्यू हम लोग दे देते हैं कुछ भी, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है हम नंबर्स भी दे सकते हैं, हम लोग नंबर दे देते हैं एच सेवन नाइन फाइव फोर, कुछ भी हमने दे दिया यहाँ पे।
और अब देखते हैं लिस्ट को स्लाइस कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ प्रिंट कराएं, प्रिंट list1, तो देखिए आपका लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। अब स्लाइसिंग करना है तो हम लोग लिखते हैं प्रिंट list1 का क्या चाहिए हमें, यहाँ पे आप इंडेक्स पोजीशन बता दीजिए, 0 से लेके हमें colon 3 तक की वैल्यू चाहिए, यानी 0, 1 और 2 इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू, यानी 8, 7 और 9 हमारा आउटपुट आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 0 से लेके 3 तक, यानी 0, 1, 2 हमेशा साइज -1, जो मैक्सिमम लिमिट आप लिखते हैं 3, उससे एक कम वैल्यू ही आपकी प्रिंट होती है, यानी 0, 1, 2 तक ही रूप चलेगा। आप कुछ भी और देखना चाहते हैं, आप लिस्ट 1 का सिर्फ आप लिख दें, अगर देखिए यहाँ पे 3 colon लिख के आप छोड़ देते हैं तो क्या होगा, सारा आपका बहुत ही प्लेफुल तरीके से आप एक काम कर सकते हैं। तो देखिए आपको इमेजिन कर सकते हैं क्या वैल्यू आना चाहिए, 3 से शुरू होगा और बाकी आगे तक की वैल्यू, तो 0, 1, 2, 3, देखिए 0, 1, 2 और 3, 5 है ये 3 पे, तो 5 और 1 और 4, यानी 3, 4 और 5 इंडेक्स को प्रिंट कर दिया, ये 3 के बाद जितने भी वैल्यूज हैं उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं लिस्ट 1, देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, सिर्फ इसने कोलन लगा के छोड़ दिया तो क्या होता है, यानी सारा लिस्ट प्रिंट होगा 8, 7, 9, 1, 5। तो आप जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें लिस्ट 1, तो ये आप करके भी चेक करेंगे, जो ऑप्शन आपके मन में आए आप करके चेक कर सकते हैं। हमने कोलन लगा दिया और 3 लगा दिया और बंद कर दिया, तो देखिए यानी शुरुआत से 3 तक की वैल्यू, यानी 0, 1 और 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आप इस कोलन की मदद से रेंज, इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग का स्लाइस प्रिंट करा सकते हैं, यानी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, जिसे हम सब स्ट्रिंग भी कहते हैं, आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि अपने लिस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि लिस्ट में हम वैल्यू को कैसे इंसर्ट करते हैं, आप लिस्ट की वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। वी कैन अपडेट सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट ऑफ लिस्ट बाय गिविंग द स्लाइस ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए इसको भी हम लोग करके फटाफट देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आपके सामने ये लिस्ट है, अब इस लिस्ट को हम लोग अपडेट करना चाहते हैं, तो लिस्ट के 0 की वैल्यू आप अगर देखें तो यहाँ पे 8 है, तो हम देखिए प्रिंट कराते हैं पहले लिस्ट 1 का 0 क्या है। तो ऑब्वियस सा बात है, लिस्ट 1 का 0 आपका 8 आएगा। अब आप चाहते हैं लिस्ट 1 का जो 0 है वो 8 सॉरी ना होके वो 10 हो जाए। मान लीजिए पहले स्टूडेंट का मार्क्स पहले 8 था, उसे 10 कर देना, यानी अपडेशन कर देना है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं लिस्ट 1 का 0 इक्वल टू 10, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अब आप लिस्ट 1 अगर प्रिंट कराएंगे तो देखिए 8 की जगह जो यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहा है, उसकी जगह आपको यहाँ पहली वैल्यू 10 हो गई है। तो बहुत ही आसानी से आप लिस्ट की वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, सिर्फ इंडेक्स पोजीशन बताइए और इक्वल टू करके आप चेंज कर सकते हैं। आप मल्टीपल वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लिखें अगर लिस्ट 1 का, देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 का 0 colon 1, यानी 0 और 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गए हम, इक्वल टू करते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 25, ठीक है, और यहाँ पे 25, 35 और हम लोग इंटर कर देते हैं। अब देखते हैं लिस्ट 1 की नई वैल्यू क्या है। तो आप देखेंगे हमने लिस्ट का 0 और 1 रेस्पेक्टिवली 25 और 35 कर दिया था, तो हमने वैल्यू को जब प्रिंट कराया तो देखिए 25 और 35 हो गया, जो कि पहले 10 और 7 था। तो सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट दोनों को आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 3 एलिमेंट करना था, तो 0, 1, 2, तो 0 से 2 तक की वैल्यू आप दे दीजिए और 25, 35, 45 कर दीजिए, तो 3 वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो लिस्ट में आप अपडेशन कर सकते हैं सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू एक साथ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं कि लिस्ट में आइटम को ऐड कैसे करते हैं। इसके लिए एक फंक्शन आपके पास है अपेंड, यानी कोई एक आइटम आपको अगर अपने लिस्ट में जोड़ना है तो आप अपेंड का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट करके देख लेते हैं। हम इसी लिस्ट में, यानी list लिस्ट 1 में एक एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं, यानी एग्जिस्टिंग एलिमेंट के साथ एक नए एलिमेंट को जोड़ना चाहते हैं जिसकी वैल्यू 100 है मान लेते हैं। तो आप लिखेंगे list1.append, और क्या करना है सिंटेक्स बस ध्यान रखिएगा, list1.append और ब्रैकेट को यूज कीजिएगा और 100 लिख देते हैं हम लोग और इंटर करते हैं। अब देखते हैं लिस्ट 1 का फाइनल वैल्यू क्या है। तो देखिए 25 से लेके 4 तक तो पुरानी वैल्यू थी और 100 आपका अपेंड हो चुका है।
बस ध्यान रखिएगा कि इसमें एक और, आप जितना अपेंड करना चाहते हैं आप एक से अधिक वैल्यू को भी अपेंड कर सकते हैं, ठीक है, एक, सॉरी, आप एक ही वैल्यू को अपेंड कर सकते हैं, एक से अधिक वैल्यू अगर आपको अपेंड करना है तो आपको एक्सटेंड यूज करना पड़ेगा। चलिए उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। एक वैल्यू अपडेट करने के, एक वैल्यू आपको ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और एक से अधिक वैल्यू के लिए एक्सटेंड का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग एक्सटेंड को कैसे यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, ब्रैकेट लगाइएगा और हमें यू 101, 102 और 103 ये हमें उसमें एक्सटेंड करना था, यानी बढ़ाना था। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट वन की नई वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप देखें पहले 100 तक वैल्यू था, अब हमारे पास 101, 102 और 103 तीन वैल्यूज हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा एक्सटेंड और अपेंड में क्या डिफरेंस है। जब आपको एक वैल्यू इनपुट करना है, ऐड करना है, तो आप अपेंड का यूज करेंगे, यानी एग्जिस्टिंग लिस्ट में एक वैल्यू ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे और एग्जिस्टिंग लिस्ट में एक से अधिक वैल्यू को ऐड करने के लिए एक्सटेंड फंक्शन का यूज करेंगे। करके इसको आप चेक कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कि दो लिस्ट को हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, हमने पहले भी कहा है पाइथन लैंग्वेज बहुत ही यूज करने में इजी लैंग्वेज है। तो आप अगर एक से अधिक लिस्ट को अगर बना हुआ है आपको और उसे आप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल, जैसे हम बना लेते हैं लिस्ट टू इक्वल टू जिसकी वैल्यू है 3, 4, 5, 6, ये है नया लिस्ट जिसकी नाम है लिस्ट टू। अब आप एक नया लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसका नाम लिस्ट थ्री है और उसमें करना चाहते हैं लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू। तो देखिए क्या होता है, अब हम प्रिंट करते हैं लिस्ट थ्री को। तो देखिए आपका लिस्ट वन और लिस्ट टू का एडिशन आपके लिस्ट थ्री में आ गया है। तो बहुत ही आसानी से प्लस ऑपरेटर के थ्रू आप एक से अधिक लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीशन फ्रॉम अ लिस्ट, यानी एक आइटम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक कीवर्ड है डेल, DEL, डेल लिस्ट वन। तो ये आपका पहला एलिमेंट जो ये है वो आपका डिलीट कर देगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको, डेल लिस्ट वन, ये ध्यान रखें डिलीशन फ्रॉम लिस्ट। देखिए बिफोर क्या था, लिस्ट डिलीट होने से पहले और डिलीट होने के बाद, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे जब डिलीट होता है तो वो हमेशा लास्ट डिलीट हो रहा है, यानी देखिए डिलीट करने के बाद जैसे डेल लिस्ट यानी एक आइटम डिलीट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3, 1 और 2 डेल में क्या करना पड़ेगा, लिस्ट के बाद जैसे हम हमेशा यूज कर रहे हैं इंडेक्स क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। इंडेक्स क्वेश्चन दीजिए और लिस्ट डिलीट आपका वो कर देगा। चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इंडेक्स क्वेश्चन से कैसे ये काम करता है। क्या लिखना पड़ेगा आपको, डेल लिस्ट वन का 1 इंडेक्स क्वेश्चन डिलीट करें। चलिए देखते हैं हम लोग LIST 1। तो देखिए यहाँ ध्यान से जो ये लिस्ट वन हमारा है इसमें पहले 25, 35 और 7 था, अब देखिए 35 यहाँ से गायब हो चुका है, अब 25 के पास 7 है। तो यहाँ पे आपको डिलीशन कैसे काम करता है, डेल कीवर्ड है और आपको जो भी इंडेक्स पोजिशन आपको देना है तो डेल लिखिएगा कीवर्ड को, फिर लिस्ट का नाम और इंडेक्स पोजिशन, जो इंडेक्स पोजिशन आप चाहते हैं आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका डिलीट काम करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, आप लेन यूज कर सकते हैं, मेन जो आपका है कॉन्कैटनेट यूज कर सकते हैं, रिपीटिशन करना है तो आप इंटू कर सकते हैं, ऑब्वियस सा बात है, और फिर मेंबरशिप और इटरेशन हमने जो आपको करके दिखाया आपको। हम लेन, फिलहाल हम लेन भी चेक करा देते हैं, किसी भी लिस्ट का लेंथ चेक करना है तो आप लिख सकते हैं लेन और इन ब्रैकेट लिस्ट वन, तो कितने आइटम उस लिस्ट में है ये आपको दिखाई देगा। तो लिस्ट वन हमारे 10 आइटम थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसका रिजल्ट 10 आ रहा है। और ये सारे जो हमने अपेंड और एक्सटेंड बताया था आप इसमें इसको चेक कीजिएगा, ये आपका होमवर्क भी है। रिमूव भी यूज कर सकते हैं, डेल लिस्ट जो हमने यूज किया वो यूज कर सकते हैं, लिस्ट डॉट क्लियर जैसे ही आप करेंगे ये पूरे लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, लिस्ट डॉट पॉप रिमूव एन आइटम एट अ डिफाइंड इंडेक्स, पॉप क्या करेगा आपका एक जो एलिमेंट है पहला वाला वो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है लिफो होता है आपका, लास्ट में जो इन हुआ है वही आउट हो जाएगा, पॉप यानी लास्ट वाले एलिमेंट जो इन हुआ है उसको हटा देगा। लिस्ट डॉट इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा, सॉर्ट करना है यानी उसको अरेंज करना है किसी ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो लिस्ट डॉट सॉर्ट
उसको अरेंज कर देगा। लिस्ट डॉट रिवर्स, अगर लिस्ट को आपको उल्टा करना है तो रिवर्स फंक्शन यूज कीजिएगा। लेन, लेंथ निकालने के लिए है। मैक्स, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट निकालने के लिए है। मिन, मिनिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट निकालने के लिए है। और आपको अगर उसका सीक्वेंस देखना है तो आप लिस्ट सीक्वेंस कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर प्रैक्टिकल करके चेक कीजिएगा। उम्मीद है बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। अब देखिए कुछ प्रोग्राम है जो आप लिस्ट से आसानी से कर सकते हैं, ये भी आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ता हूँ। इसको आप प्रोग्राम को जरूर आप देखिएगा, अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा और हम लोग फिर देखेंगे कि उसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी लिस्ट है उसको सॉर्ट कैसे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन लिस्ट, एक लिस्ट में लार्जेस्ट नंबर कैसे हम सर्च कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो हमने अभी एक फंक्शन देखा वहां पे सॉर्ट, तो देखिए क्या है ए डॉट सॉर्ट। ए डॉट सॉर्ट क्या करेगा, आपको बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा। तो क्या होता है, बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, लार्जेस्ट एलिमेंट इज ए एन माइनस वन, जो हमने इंडेक्स क्वेश्चन देगा नेगेटिव इंडेक्स एन माइनस वन, ये लास्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो एन माइनस वन से आप सॉर्टेड लिस्ट में से सबसे बड़े एलिमेंट को आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप टाइप करके जरूर से रन कराने की कोशिश कीजिएगा। आपको एवरेज निकालना है तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। आपको लीनियर सर्चिंग करनी है लिस्ट में तो आप सर्चिंग भी कर सकते हैं। इसको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे जब आप पूरा होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।